में जब क्लास रूम में आते हैं बच्चे बोले हम पढ़ाते हैं एक बैठे बोले सर पढ़ाते हैं लेकिन जब गर्म लगना तो थोड़ा सो जाते हैं नींद लेने के लिए। देखिए सर आप जो बच्चा को आप अपने आप माने थे वही बच्चा वही कह रहे हैं पीते है वो अनिश मंगाते हैं हम लोग तीनों नहीं आते हैं। अनिश सर यहाँ के पानी नहीं पीता है सर चापाकल से पानी। हाँ सही बात। यहाँ पे जो तुम लोग यहाँ पे सोने के बात कर रहा है वो कौन सर सो जाते हैं मालूम है? दो सर सोते हैं ज्यादा मैडम भी सो जाते हैं आप भूपेंद्र से भी सो जाते हैं आप राजू से सो जाते हैं कभी कभी मोबाइल में देखते रह जाते हैं। सर आपके यहाँ पे लड़का सब शिकायत कर रहा है कि आप सो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। देखिए मेरे पास फोन मोबाइल है अभी हमारे पास भी फोन मोबाइल से देखिए मैं आपके पास तो नया एंड्रॉइड फोन नहीं है हमारे पास यही मोबाइल है इसको क्या हम देख सकते हैं सिंपल मोबाइल है कि बच्चे देखिए एक मिनट बच्चे जो है यहाँ पर ही आप लोग को देखते हुए और भी गलतियाँ बता रहा है त्रुटि बता रहा है इसमें बच्चे में कितना त्रुटियाँ आज ढूंढेंगे अभिभावक भी जो सके डिसिप्लिन लड़कन के बना के भेजता है प्राइवेट में यही बच्चे के पढ़ाई जो होगा कम वहाँ बैग थैला ड्रेस बना के भेजेगा लेकिन यहाँ एक भी बच्चे ड्रेस में नहीं आ रहे। ये सर सब आपका जिम्मेदारी है सर आपका जिम्मेदारी है प्रभारी से बात कीजिए हम सारे टीचर हमसे जितना बनता है वो हम बच्चे के लिए तात्पर्य है हमारे पास में ही मोबाइल है हम कहाँ से अधिकार बताइए दो मोबाइल आपके कहाँ मोबाइल दो देखिए एक मिनट शांत रहेगा दो मोबाइल हम चार मोबाइल लाते लेकिन अभी प्रमाण में रखे ऐसे देखो एक छोटा परीक्षा में ला रहे हैं। अरे क्या है हमारे पास में से देखो अभी चेक करो हमारे पास क्या मोबाइल है पांच मोबाइल लाते लेकिन हमारे पास प्रमाण अभी कब है अब मोबाइल नहीं लाता बड़ा अरे हम यही लाते हैं कभी लाते हैं तो ऐसे जरूरत पड़ता है लाते हैं तो मोबाइल लाना कोई गलत नहीं है सरकारी टीचर है तो मोबाइल ला सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन है कुछ देखना है मोबाइल से सर्च करके देखना पड़ता है। हाँ ये तो आपका कहना सही है पढ़ाई के लिए आप मोबाइल सर्च कर सकते हैं लेकिन ये सोने वाली बात है ये गलत बात है कोई नहीं सोता है जी झूठा आकांक्षा मत किसी पर लगाइए आरोप प्रत्यारोप किसी पर नहीं लगाइए यहाँ जैसे राजनीतिक नहीं कीजिए सभी शिक्षक जो है यहाँ पर ही है हम राजनीति करने के लिए आए हैं यहाँ सभी शिक्षक जो है अपने दायित्व के प्रति खड़ा है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं भूपेंद्र कुमार उत्तर मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक। सर आपके ऊपर यहाँ पे सभी बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि हम मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं पढ़ाते नहीं है तो कौन बच्चा बोला सर रोशन आओ सो जाते हैं सर जी ने यह से सो जाते हैं देखिए सामने बोले आवेदन करते हैं तो प्राइवेट में पढ़ता है आप सभी का गलती है आप इसका नाम काट दीजिए नाम काट रहा है बच्चे का नाम काटा जा रहा है बहुत जल्दी कट जाएगा सब बच्चे को जो नहीं आ रहा है उसका। अच्छा सर अब कल मोबाइल नहीं देख रहे सर यहाँ पे मैं रोज देखता हूँ मोबाइल से अभी काम भी लोग अभी कर रहे थे नहीं तो मोबाइल सर के लाने गलत बात नहीं है सर ला सकते हैं और मोबाइल से पढ़ा भी सकते हैं इसके लिए देखते हैं मैंने वीडियो देखते हैं सर ये सब देखते वीडियो गलत आरोप लगा रहे हैं। अरे इसे पूछो यहाँ पे पढ़ाने के समय सर जी सब सो जाते हैं ये सही बात है ऐसा नहीं है नहीं है तो यहाँ पे बच्चे सामने बोल रहे हैं ना बच्चे बोल रहे हैं तो बच्चे का तो सारा बात पारित हो जाएगा बच्चा तो अभी कह रहा है कि हमको खाना नहीं मिलता सही बात है सब सो जाते हैं ये सो जाते हैं तुम 8 क्लास में पढ़ते हो ना बाबू हाँ दो भागा दो कितना हो जाता है चार हो जाता है क्या आप लोग का पोशाक राशि का पैसा नहीं मिलता है नहीं मिलता आप लोग का पोशाक राशि का पैसा नहीं मिलता है नहीं मिलता क्या सर यहाँ पर आपका जो इस स्कूल में एक भी बच्चा ड्रेस में नहीं पढ़ने के लिए आया है अब ड्रेस में तो बार बार रिपीट कर रहे हैं ड्रेस सिलाइए तो सिलेवे नहीं कर यहाँ पे बच्चा लोग कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं मिला है तो बच्चा से नहीं पूछे कि आप लोग डेली स्कूल आ रहे हैं जब नाम कटने की बारी आया है तो अभी देखिए भीड़ कितना लगल है तो यहाँ पे कुछ बच्चे से हम पूछे हैं हमारी उपस्थिति कहता है 75% जिसको रहेगा उसी को मैंने ड्रेस का पैसा देखिए सर भी बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ लड़कन के यहाँ पे पैसा दिया गया लेकिन इतना सारा जितना भी बच्चे हैं हम सभी से पूछे हैं तो कोई भी लड़कन कह रहा है कि यहाँ पे पोशाक राशि का पैसा नहीं मिला है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होता है कि नहीं स्कूल में दो विषय होता है हिंदी और मैथ और सब्जेक्ट नहीं होता है नहीं होता तुम लोग बता सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है श्री नीतीश कुमार क्या 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 तुम लोग का कमी है एग्जाम होता है ना तो पेपर घट जाता है
एग्जाम होता है तो पेपर घट जाता है, आज एग्जाम था आज नहीं है कल था, जब पेपर घट गया जब पेपर में हम लोग लिखे हैं। तुम कौन क्लास में पढ़ाई करते हो? एट में। एट में पढ़ते हो? तुम कौन क्लास में करते हो? सेवन। तुम कौन क्लास में करते हो? एट। दो प्लस दो कितना होता है? दो प्लस दो चार। दो भागा दो कितना होता है? दो। चलिए देखिए इलाका बोल रहा, दो दो भागा दो हो जाता है दो। देखिए इतना मैंने शिक्षा कितना इलाका के दिया गया है। तुम एट क्लास में पढ़ते हो ना बाबू? हाँ। दो भागा दो कितना हो जाता है? दो भागा दो चार। चार हो जाता है। तुम लोग यही से पीता है? यहाँ पे नल लगा हुआ तक नहीं लगा है। बताइए सर पीते मंगाते हम लोग हैं। सर यहाँ के पानी नहीं पीते हैं, सब चापाकल से पानी। सही बात। तुम कौन क्लास में पढ़ते हो? एट में। एट में। यहाँ पेट में मैंने अच्छा से पढ़ाई मिलता है तुम लोग का? मास्टर सो जाता है पढ़ाने के लिए, मोबाइल से पढ़ाता है। मोबाइल से पढ़ाता है? तो मोबाइल से पढ़ाना गलत बात नहीं है, मोबाइल से पढ़ा सकता है मास्टर। तो फिर पढ़ाते पढ़ाते सो जाता है? आने के समय सर जी सब सो जाते हैं, ये सही बात है? ऐसा नहीं है। नहीं है? तो यहाँ पे बच्चे सामने बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं तो बच्चे का तो सारा बात पारित हो जाएगा। बच्चा तो अभी कह रहा है कि हमको खाना नहीं मिलता। सही बात है। सब सो जाते हैं? ये सो जाते हैं, मोबाइल देखते हैं। आपके स्कूल में यहाँ पे आए हुए हैं, कोई भी अनुशासन नाम के यहाँ पे चीज नहीं, क्या आप कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ बच्चा रेगुलर आवे तो ना अनुशासन में रहेगा। तो रेगुलर ना आता तो आप लोग की जिम्मेवारी है ना? की जिम्मेवारी कैसे है? हम लोग तो नाम इतना तक डराते हैं कि ना आवेगा तो नाम काट देंगे। सरकारी आदेश के तहत से यहाँ पे 75% हाजिरी नहीं रहता है, तो यहाँ पर बच्चन के यहाँ पे नाम काट दे सकते हैं आप लोग। वो तो हाजिरी कितना बनाते न बनाते सर बनाते हैं, वो सब हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चन से हम पूछ रहे हैं, आप मैंने आप लोग बच्चन के सभी को पढ़ाते हैं, आप लोग यानी कह सकते हैं पूरे देश के भविष्य है, लेकिन तब पर ही पढ़ता है? कौन क्लास में पढ़ता है? छठम पढ़ते हैं।